stupid. Aww. Surprise! Eyes up. Eyes closed. Yeah. Surprise! I like it. ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी है और ये बाहर की कचौड़ियों से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। और उसकी बेस्ट बात है कि ये मसालेदार टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है। ऑसम। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे ये शादियों में बनती है बिल्कुल वैसा है। मुझे दही के साथ बहुत ही अच्छा और यम्मी लगता है। लवली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे। बारिश का मौसम आ रहा है, शाम के टाइम सबको कुछ लगता है कि कुछ अच्छा चटपटा हम खाएं, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी सी डिश शेयर करने वाली हूँ। उसका नाम है दाल मसाला पूड़ी। मैं आपको दाल मसाला पूड़ी दो तरीके से शेयर करूँगी, जो एक बनाऊंगी आलू के साथ, एक बनाऊंगी विदाउट आलू के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही लजीज बनती है। आप इसको अचार के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो और चाय कॉफी के साथ भी खा सकते हो। मैंने उसके लिए क्या क्या सामान लिया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने दाल ली है जो कि मैंने भिगो के रखी थी 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया मिक्सी में। ये मैंने ग्रीन वाली मूंग की दाल ली है, छिलका वाली, आप कोई भी दाल ले सकते हो, वह मूंग दाल के साथ ज्यादा टेस्टी बनेगी। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, फिर कुछ ड्राई मसाले है, अजवाइन है और ऑयल है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जब तक हम आटा लगाएंगे उससे पहले मैं गैस ऑन करके तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने गैस ऑन कर ली है, उसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं इस आटे को लगा लूंगी। सबसे पहले हम आटे के अंदर नमक डालेंगे, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाला है, 1/2 टेबल स्पून में अजवाइन डालूंगे। इसके बाद हम दाल डालेंगे। दाल को हम धीरे धीरे डाल के फिर मिक्स करेंगे जिससे आटा पतला ना हो जाए। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और 1/2 कटोरी मैंने दाल ली थी, तो मैंने 1/2 कटोरी दाल ली है और फूल के वो 1 कटोरी बन जाएगी। तो मैं इसको बिल्कुल दाल के ही साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप दाल के साथ बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए आटा गूंद गया है, तो चलो अब हम इसे पूरियां बनाएंगे। हम आटे की लोई अपने अकॉर्डिंग लेंगे, छोटी बड़ी। थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे चक्के के ऊपर, फिर हम धीरे धीरे इसको बेल लेंगे। हम कुछ इस तरीके से बेलें, किनारों को हम अच्छे से बेलेंगे जिससे कि किनारे हमारे मोटे ना रहें और पूड़ी चारों तरफ से अच्छे से फूल जाए। तो पूड़ी हमारी बनके रेडी है। तो चलिए पूड़ी हम डालते हैं घी के अंदर, धीरे से इसको डाल दीजिए और इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालते जाए जिससे पूड़ी अच्छे से फूल जाएगी। मसाला और दाल के इस्तेमाल से बहुत ही क्रंची हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए पूरी कितने अच्छे से फूल के आई है, इसके ऊपर जीरा मसाला कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और इसके अंदर जो अजवाइन डली है उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। पूरी होने के बावजूद ये आपको हैवी नहीं लगेगी डाइजेस्ट करने में। जब तक ये पूरी पक रही है तब तक हम एक और पूरी बना लेते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मैं कढ़ाई से ऑयल ले रही हूँ, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सेपरेट कटोरी में ऑयल लेके रखें जिससे आपका हाथ ना जल जाए। दूसरी पूड़ी भी मेरी बिल के रेडी हो गई और ये वाली पूड़ी हमारी पक चुकी है। देखिए तो देखिए ये बिल्कुल एकदम बेसन पूड़ी जैसी लग रही, लेकिन मैंने बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखिए हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसका लुक ही इतना अच्छा लगता है कि आपके घर में बच्चे या कोई भी मेहमान आए तो वो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद करके खाएंगे।
ये पूरी कितने अच्छे से फूली है और इसको कितना अच्छा लगेगा खाने में बरसात के मौसम में। दूसरी तरफ से भी एकदम क्रंची बन चुकी है पूरी। और इस पूरी का लुक और टेस्ट ही बहुत ही यूनिक बनाता है। ये मेरे घर में सबकी फेवरेट है। मेरे बेटे को खासकर अलग अलग टाइप की पूरी और पराठे बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम आलू का भी मसाला बना लेते हैं। मैंने ये तीन आलू लिए हैं जिनको मैंने मैश करके रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच धनिया डालेंगे। ये मैंने हरा धनिया लिया है जो कि मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है, अदरवाइज बरसात के मौसम में धनिया ना खराब हो जाता है। हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ध्यान रहे आलू में ना एक भी गांठे नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आलू के अंदर गांठे होंगे तो कचौड़ी हमारी फट जाएगी। अच्छे से एकदम आलू मैश कर लिए हैं। आप उसको कद्दूकस के हेल्प से भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही कर लिया। तो चलिए इन्हें अब हम पूड़ी के अंदर भरते हैं। ये मैंने आटा ले लिया है पूड़ी का, इसको हम उसी तरीके से बेल लेंगे। अब इसके सेंटर में हम आलू भर देंगे, फिर इसको कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इस वाले हिस्से को इस तरीके से दबा देंगे। दोबारा से चकले के ऊपर ऑयल लगा के फिर हम इस पूरी को धीरे धीरे बेल लेंगे, किनारों से बेलें। पूरी हमारी फटनी नहीं चाहिए किसी भी साइड से। तो ये बेल के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे। तो देखिए ये कचौड़ी कितने अच्छे से फूल भी गई है। और इतने कम टाइम में हम दो तरह की पूड़ियां बना सकते हैं। और आपके घर में जब कोई मेहमान आए या बच्चे खाने के लिए मांगे तो उनको भी सरप्राइज लगेगा इतने कम टाइम में दो तरह की चीजें कैसे बन गई। तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए। ये खाने में एक पूड़ी जैसी है तो दूसरी कचौड़ी जैसी है। और चाय, कॉफी, दही किसी अचार के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। आप इसे लंच में भी सर्व कर सकते हो, आप इसे डिनर में भी सर्व कर सकते हो और आप ब्रेकफास्ट में इसको कभी भी सर्व कर सकते हो। और देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन होके बनी है। तो ये हमारी पक चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। एकदम फूली फूली खस्ता। तो चलिए मैं आपको एक और पूड़ी बनाना बताती हूँ। वो पूड़ी भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने पहली पूड़ी बनाई थी। इसको सेंटर से प्रेस कर देंगे और चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको बेल लेंगे। ध्यान रहे कि हम इसको किनारों से बेलें, बीच में ज्यादा दबाव ना डालें, अदरवाइज किनारे फट जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि हम आटे के अंदर ऑयल डालें तभी हमारी पूरी या कचौड़ी खस्ता बन सकती है। मैंने विदाउट ऑयल के भी इतनी खस्ता कचौड़ी बन के आ रही है। दूसरी पूरी में एकदम हमारी बलून की तरह फूल गई है। मैं ये पूड़ियाँ पिछले 10 सालों से बना रही हूँ। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ये पूड़ियाँ खाई हो और किसी ने भी टेस्टी ना बताई हो। जबकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं कि हमें वही वाली पूड़ियाँ दीजिए बना के। और खासकर इसकी डिमांड नॉर्मल दही के साथ और अचार के साथ ज्यादा मांगते हैं। तो ये भी पूड़ी हमारी रेडी है, इसको भी निकाल लेते और इसको एकदम करारी करारी गोल्डन ब्राउन बनाए। हमारी दोनों तरह की पूड़ियाँ रेडी हैं। चलो बच्चों को खिलाते हैं। सरप्राइज, आइज क्लोज।
सरप्राइज। दिस वन ओके योर फेवरेट फूड। नहीं चीटी। ओके चलो। यू लाइक इट? लाइक इट। तो चलिए बच्चों को सर्व करते हैं। हमारी मसाला आलू पूरी और ये है हमारी प्लेट दाल पूरी। तो मैं बच्चों को अरबी के साथ सर्व करूंगी। अगर आप अरबी के डिश देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये पनीर की भुजी है जो मैंने विदाउट ऑयल बनाई है, थोड़ी दही, ये है हमारा करौंदा हरी मिर्ची का अचार जो कि बन चुका है। सबसे पहले हम नीम को देंगे। हेलो नीम। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो टेस्ट करो। ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी है और ये बाहर की कचौड़ियों से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। और उसकी बेस्ट बात है कि ये मसालेदार है, टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है। ऑसम। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे ये शादियों में बनती है बिल्कुल वैसा है। मुझे दही के साथ बहुत ही अच्छा और यम्मी लगता है। लवली। Yummy, thank you, mommy. To Rocky Raj, the Soy Show.